एक दिन माँ हमें स्वास्थ्य केंद्र ले गई। मुंह खोलो, बोलो आ, 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 और बड़ा खोलो, आ, और बड़ा, आ, आ, बढ़िया। राजू और मीना अब अच्छे हो गए हैं, दोनों कल से स्कूल जा सकते हैं। स्कूल? दवा बंद? बिल्कुल बंद। तुम लोग आज मेले में जा रहे हो? माँ, हम जाएं? हाँ, अब तो ठीक हो गए हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। काश सभी माँ बाप आपकी तरह लड़कियों की भी देखभाल करते। लड़कियों की भी देखभाल, लड़कियों की भी देखभाल, लड़कियों की भी देखभाल। फिर कलाबाजों का एक परिवार बाहर आकर रुका। कितनी बाजीगर लड़की को देखो, क्या हाथ की सफाई है, वाह। समझते क्यों नहीं, ये तो वही लोग हैं जो मेले में खेल दिखाएंगे। जानते हो, ये नहीं हो सकता। माँ को आदमी क्यों चिल्ला रहा है? नहीं खरीदेंगे हम, लड़का लड़की दोनों के लिए दवा नहीं खरीद सकते। और देखो सबीना को भी तो बुखार है। लड़कियाँ अपने आप ठीक हो जाती हैं, जैसा कहता हूँ करो, लड़के को ही ले जाओ। पापा मैं कहाँ जा रहा हूँ? आओ पाशा, डरो मत, डॉक्टर तुम्हें अच्छा कर देगा। और वो लड़के को डॉक्टर के पास ले गए, लड़की को नहीं। ओह, इसकी देह कितनी तप रही है। सबीना को तो बुखार है। ओह, इसका मुंह बंद करो। अरे लड़की ऐसी बीमार नहीं है, इसे गरम चाय पिलाओ, ठीक हो जाएगी। लड़कियों की भी देखभाल, लड़कियों की भी देखभाल, लड़कियों की भी देखभाल। लड़कियों का ये कौन बोला? लड़कियों की भी देखभाल। आओ जाओ, लड़कियों की भी देखभाल। मिट्टू इधर आओ, लड़कियों की भी देखभाल। लड़कियाँ। मीना आओ, ये देखो। और तभी मिठू ने उस बड़ी टोकरी में कुछ देखा। ओ, सांप! अरे अरे अरे, मेरे नाक से बचो। मिठू, मैंने कहा इधर आओ। अरे लड़की, अपने बेवकूफ तोते को परे हटा। क्या कहूँ, इन्हें लड़कियाँ पसंद ही नहीं। ओह, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। राजू मीना चलो घर चलें। सुनो, मेरा नाम कमाल है, मेले में मिलेंगे। बाबा, क्या हम उस बड़े वाले झूले पर चढ़े? ठीक। दोपहर में हम मेला घूमने गए, बहुत मजा आया। अभी तक सो रही है, उठ, तमाशे के लिए तैयार हो जा। अरे देख मीना, हो रहा है अपना स्कूल। कहाँ? स्कूल, स्कूल। देखो माँ, हो रहा कमाल। कैसे हो कमाल? उसी लड़की का तोता है। मिठू, लड़कियों की भी देखभाल।
रहा हूँ शैतान तोते। हाँ तुम्हें क्या कह रहा था? ओह मिट्टू। घबराओ मत, मैं उसे ले आता हूँ। ओह हाँ निकालो ये कमाल जल्दी। मिट्टू नटखट तोते तुम बहुत शरारत कर रहे हो, बस यही रहो, अब एक शब्द भी नहीं, नहीं तो तुम्हें सीधे घर भेज देंगे। अरे 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 ये क्या ये क्या ये क्या हो रहा है? और सब राह देख रहे हैं, जल्दी कर। बच्ची की तबीयत तो बेहद खराब है, इसे भी पाशा की तरह आराम करना चाहिए। इसे आलसी मत बनाओ, ये बाद में आराम कर लेगी, इसे चाय पिलाओ ठीक हो जाएगी। मेरा नाक तो कभी बीमार नहीं पड़ता। कभी नहीं क्यों रे मेरे नाक। लड़कियों को तो कुछ समझते ही नहीं। समझते ही नहीं हाँ? चुप मिठू। आओ सभी ना खेल दिखाते हैं। ओ सबीना तुम नहीं कर सकोगी। और तब उस दुष्ट सपेरे ने सबीना को उठाकर रस्सी पर खड़ा कर दिया। तो कद्रदान मेहरबान अब मेरी भतीजी तनी हुई रस्सी पर अनोखे करतब दिखाएगी, जोरदार तालियां। सबीना दिखाएगी एक सबीना पीछे हटिए, आप सब पीछे हटिए। अम्मा मेरी ऐसी हालत में हमने करवाया ही क्यों? इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। घोड़ा गाड़ी लाओ जल्दी से। मीना कहाँ गई? अरे मेरे लिए तो रुको। ये क्या है? क्या है ये? जल्दी चलो, डॉक्टर गांव से बहुत जल्दी चली जाती हैं। मीना हम इसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। उफ, ये बच्चे भी। और हमने डॉक्टर के जाने से पहले पहुंचने की कोशिश की। मिट्टू के पीछे चलो। ठहरो, मैं कहता हूँ ठहरो, मेरा हुक्म है। तुम लोग इसे कहाँ ले जा रहे हो? बस बहुत हो गया, अब से हम ही फैसला करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए क्या ठीक है, आप नहीं। अरे ये तो मीना का तोता है, ये क्या कह रहा है? डॉक्टर जी देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। ठहरो देखिए ये कौन है। अच्छा हुआ मोच ही आई है, हड्डी नहीं टूटी। पर आराम की बहुत जरूरत है, बुखार की दवाई भी लेनी होगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, गलती हुई जो हम इसे पहले नहीं लाए। आज हम समझी, लड़के और लड़कियों दोनों की परवरिश बराबर होनी चाहिए। लड़कियों की भी देखभाल, लड़कियों की भी देखभाल। डॉक्टर साहब मेरा नाक बीमार हो गया है, कुछ कीजिए ना, ये बीमार है। ए, इसे चाय पिला, ये चाय पीकर ठीक हो जाएगा। मीना कितनी समझदार हो तुम। नहीं समझदार तो मिट्टू है। और फिर कमाल ने अपने पिता के कान में कुछ कहा। हे, ये हुई ना बात,
जब पाशा और सबीना ठीक हो जाएंगे तब हम ऐसा ही करेंगे। और जब सबीना और पाशा अच्छे हो गए तब उनका पूरा परिवार हमारे स्कूल आया। मजा आया और उनके माता पिता ने कहा कि अब सबीना और पाशा भी स्कूल जाएंगे। मजा आया ना मिट्टू हा? लड़कियों की भी देखभाल। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियाँ भी सोचो।